दोस्तों आप यहां पे देखो अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम के अंदर फाइनली ऐड हो चुके हैं मल्टीप्लेयर ऑप्शन। जी हाँ गाइस, आप यहां पे देख ही रहो, आराम से हम खेल अपने प्लेयर को बैठा के, इस तरीके से आप भी अपने करेक्टर को बैठा के खेल सकते हो और आप लोग अपने मैप के अंदर चारों तरफ घूम सकते हो अपने करेक्टर को बैठा के। गाइस काफी अच्छा अपडेट आ गया है और इसका क्या चीट कोड होने लगा बताएंगे आज के इस वीडियो में। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो गाइस देखो अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम के अंदर फाइनली न्यू अपडेट आने वाला है और उस अपडेट के अंदर अपने गेम में ऐड होने वाला है मल्टीप्लेयर ऑप्शन। जी हाँ गाइस, बहुत सारे बंदे पूछते हैं मल्टीप्लेयर ऑप्शन के बारे में, कुछ बताओ मल्टीप्लेयर ऑप्शन का कोड दे दो। गाइस जो अपने गेम के ऑनर रोहित मिश्र गाइस वो बताए हैं कि अपने गेम के अंदर अगले अपडेट में ऐड होने वाला है मल्टीप्लेयर ऑप्शन और मल्टीप्लेयर ऑप्शन के अंदर आप अपने एक करेक्टर को बैठा के घूम सकते हो और उसके साथ आप मेगा रैम भी खेल सकते हो, साथ ही गाइस बहुत सारे पुलिस को भी मार सकते हो साथ में, यानी कि मल्टीप्लेयर इस तरीके का होने वाला। प्लस अपने गेम के अंदर न्यू अपडेट में पुलिस कार भी ऐड होने वाला। जी हाँ गाइस, पुलिस भी आपके सामने आएगी, वो भी कार लेके, पैदल नहीं आएगी, पैदल तो आती रहती है बट अब कार लेके आएगी और आपको मारेगी भी और बिल्कुल आपको उड़ा देगी। तो इस तरीके से आने वाला है न्यू अपडेट और न्यू अपडेट बहुत सारी चीज़ ऐड होने वाले, मल्टीप्लेयर ऑप्शन हो गया या फिर पुलिस कार हो गया और आने वाले कुछ अपडेट के अंदर अपना घर भी चेंज होने वाला। जी हाँ गाइस, बाकी आज के इस वाले अपडेट विंडो में मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लेयर ऑप्शन के बारे में। बाकी मल्टीप्लेयर ऑप्शन गाइस खुद ही आएगा और उसका कोई चीट कोड नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक आप मल्टीप्लेयर ऑप्शन सेलेक्ट कर खेल सकते हो और अपने फ्रेंड को भी ऐड कर सकते हो। हालांकि टाइम लगे इसमें बट गाइस अपने गेम के अंदर मल्टीप्लेयर ऑप्शन भी ऐड होने वाले आने वाले कुछ अपडेट के अंदर। बाकी मैंने आपको बता दिया, सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया। बाकी आज के इस वाले अपडेट विंडो में मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर और पीस आउट गाइस।